हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी सोसाइटी की न्यू ग्रैंड टूरिस्मो के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च होने वाली है। हालांकि फ्रेंड कल के दिन हमें मेरी सोसाइटी की हमें ग्रिस्लो देखने को मिली थी जो कि लॉन्च हो चुकी थी, बट मैं बात करने वाला हूँ ग्रैंड टूरिस्मो के बारे में जो कि हमें 30 अगस्त के दिन हमें लॉन्च होती हुई जो हमें देखने को मिलेगी। यानी कि काफी टाइम बाद हमें बिगेस्ट अपडेट जो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीवियसली हमें 2022 में देखने को मिला था एंड उसके बाद हमें डायरेक्टली अब जाके हमें इसका जो अपडेटेड वेरिएंट है जो कि हमें पेट्रोल एंड ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर जो है देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेसराइट की हमें इवोल्यूशनरी डिजाइन, साथ ही में हमें लोस अपीयरेंस एंड फ्लोइंग लाइन्स जो कि हमें लार्जर वैन एंड स्प्लिटर जो कि हमें इसके बम्पर के अंदर एंड साथ ही में हमें न्यू एडिशन जिसके अंदर हमें वैन पोजिशन जो कि हमें ग्रिल के बिहाइंड में एंड ये हमें डायरेक्ट एक्सेस एयर कार की बॉडी, यानी कि इस तरह के हमें काफी डिसेंट फीचर्स जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि साइड प्रोफाइल हमें सेम, यानी कि इसके अंदर हमें जो मेन साइड है कि हमें अदर मॉडल्स देखने को मिलते हैं उसके जैसे ही देखने को मिलेगी एंड ये हमें स्लीकर ट्रायंगुलर टेल लैंप सेटअप के साथ एंड साथ ही में हमें जो ऑल इलेक्ट्रिक फॉल्गोर वेरियंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें रिवाइज बम्पर एंड फेंडर बैजिंग जो कि हमें डिस्टिंग यानी कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ही देखने को मिलेगी एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें इंटीरियर के अंदर हमें सिग्निफिकेंट अपडेट जिसके अंदर हमें डिजिटल स्क्रीन, टच बेस कंट्रोल एंड साथ ही में हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लार्ज सेंट्रल टस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड 8.8 इंच का हमें टस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि हमें एंड एयर कंडीशनर सीट कंट्रोल के साथ हमें एडिशनल 8.8 इंच का हमें टस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि हमें मेन यानी कि हमें 12.3 इंच स्क्रीन के साथ जो हमें देखने को मिलेगा। पावरटेन ऑप्शन के अंदर हमें न्यू 3.0 लीटर V6 इंजन ऑप्शन जो हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड यानी कि हमें मॉडर्न वर्जन जो कि हमें 483 BHP के पावर के साथ एंड 600 Nm टॉर्क के साथ एंड इसके अंदर हमें 302 किलोमीटर की हमें टॉप स्पीड एंड जो परफॉर्मेंस फोकस यानी कि हमें ट्रोफियो वेरियंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 550 BHP का पावर एंड 650 Nm का हमें टॉर्क देखने को मिलेगा एंड ये हमें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ही जो हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है एंड फ्रेंड्स और भी अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।